पानीपत सिटी थाना के सामने फिर चली गोली। पानीपत में तीसरी दफा है जब थाने के सामने गोली चली है। बदमाशों ने इंडियन ट्रैवलर के मालिक सुनील को गोली मारी है। घटना को कल शाम सिटी थाना के सामने अंजाम दिया गया। घायल सुनील को सनोली रोड के अपेक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तीन बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर गोली मारी थी। तीनों के पास भारी मात्रा में असला था। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला ये है जी, सुनील के गोली लगी, ठीक है जी। हमारे को जैसे पता लगा, हम फौरन उसके दफ्तर के आगे गए तो वो वहाँ से चला गया था दफ्तर के लिए, हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल से पता चला भाई गोली लगी सुनील के कंधे में। कहाँ गया सुनील? क्या सुनील छतारे का सुनील है, क्या इंडियन ट्रैवल इनका बसों का काम है, ठीक। और उस टाइम फौरन पता लगा, हम हॉस्पिटल ले गए। इस बातचीत हुई आपकी सुनील की, कितनी गोली लगी है, क्या कंडीशन है? सुनील की गोली लगी है या कंधे में गोली लगी है, वो अंदर चली गई। अब क्या कंडीशन है? कुछ अब कंडीशन सीरियस है। कुछ पता चला कि कितने लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया? ये नहीं पता चला जी कितने लोगों ने, सुना है मेरे को 3-4 लोग थे। किस जगह पे हुई वारदात? कुछ ये उसके दफ्तर के सामने सदर थाने के सामने। सिविल हॉस्पिटल से सुनील नाम का पेशेंट है जिनका कहीं पे झगड़ा हुआ था बस स्टैंड के आसपास, और उनको गोली लगी है। गोली लगने के बाद वो सिविल हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट एड लिया और फर्स्ट एड के बाद उन्होंने रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद मरीज सीधा हमारे पास आया है, हमने एक्सरे वगैरह इन्वेस्टिगेशन की है, तो अभी सिटी स्कैन किया है। सिटी स्कैन के बाद अभी हालत है जो उसकी गंभीर है, और अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता, उसके बारे में फिर आपको थोड़ी देर में ही पता लगेगा। सर गोली कहाँ पे लगी है, कौन सी गोली? उनको लेफ्ट कंधे पे लगी है, और वो गोली लग के और नीचे एब्डोमेन में चली गई है, चेस्ट को चीरती हुई। तो हालत कैसी है सर? हालत अभी गंभीर है, नाजुक है, बाकी तो ऑपरेशन के बाद ही पता लगेगा अभी कितना क्या है। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।